जानती हूँ मदर एलिफेंट को चोट पहुँचाना सही नहीं होगा, लेकिन इस टाइम पे हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। हमें कड़ा प्रहार करना ही होगा। कड़ा प्रहार होगा, लेकिन इस हत्ती पर नहीं, इस जमीन पर। इस जमीन पर प्रहार करके मैं इतना गहरा गड्ढा बना दूंगा जिसके अंदर ये कैद हो जाएंगे और फिर बाहर नहीं निकल पाएंगे। एक हाथी हो या पूरी सेना, इनका सामना करने के लिए हमें तैयार होना ही होगा। छुए ही चले गए, छूते भी नहीं, क्योंकि यह हाथियों का झुंड हमारा ध्यान भटकाने के लिए बुलाया गया था। वो देखो, हाथियों के झुंड के आड़ में तू मां को उठाकर ले गई। लेकिन रे, विवानी से जैसे पहले ढूंढ लिया था, अगर दोबारा ढूंढ लिया तो है? नहीं ढूंढ पाएगा, क्योंकि इस बार मैं ऐसा चक्रव्यूह रचूंगा जिसमें दोनों बालवीर एंटर तो कर पाएंगे लेकिन एग्जिट नहीं कर पाएंगे। एक और बार हार पहनाना चाहता हूँ मैं तुम्हें। ऐसा कहा मैंने? जीत का हार भी पहनूंगा, लेकिन उन दोनों बालवीर्स के मेरे चक्रव्यूह में हमेशा के लिए फंस जाने के बाद। चलो बालवीर, वो मदर एलिफेंट आंटी को ज्यादा दूर तक नहीं लेके गई होगी। रुको बालवीर। ध्वनि परी, शौर्य ने तुम्हारे लिए कुछ भेजा है। शौर्य को पता चला कि तुम मां हाथी पर प्रहार करने वाले थे। ये करने के लिए मैंने बोला था बालवीर को। हाँ, लेकिन अगर ऐसा कर दिया होता उस मासूम बेजुबान जानवर पर तो इसका बहुत दुष्परिणाम होता बालवीर के लिए। अगली बार अगर मां हाथी तुम्हारे सामने आए तो ऐसा बिल्कुल मत करना। मैं जानता हूँ ध्वनि परी,
मैं खुद चाहे जितने भी चोट क्यों ना खा लूं, लेकिन मैं किसी भी मासूम और बेजुबान जानवर पर कभी वार नहीं करूंगा। लेकिन वो आंटी को अपने साथ ले गई है, उसको रोकने के लिए कुछ तो करना होगा ना ध्वनि परी। अगली बार उसे नियंत्रण में करने के लिए ये माला काम आएगी। ऐसा खास क्या है इस माला में? ये माला उसके गले में पड़ते ही वो खुद ब खुद नियंत्रण में आ जाएगी और इसका सारा गुस्सा ठंडा हो जाएगा। ठीक है ध्वनि परी। लेकिन आप मदर एलिफेंट को ढूंढेंगे कैसे? मैं वापस से ड्रोन कैमरा लाऊं? नहीं, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। वो देखो, इस बार माहती अपने पैरों के निशान खुद छोड़कर गई है, हमें बस इसका पीछा करना है। भाई भाई, फिर से हमें आपकी वायु ट्रिक यूज करनी पड़ेगी बेबी एलिफेंट की लोकेशन ढूंढने के लिए। तुम्हें ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है विवान। काम करता हूं, मैं ही तुम्हें वहां जाने का पता बता देता हूं। तुम बताओगे, यानी कि विलन हीरो बनेगा? वाह। वो क्या है ना कि अब मैं इतना भी स्टोन हार्टेड नहीं हूं यार। मैं तुम बच्चों को ऐसे रोते बिलखते मम्मी मम्मी ऐसे नहीं देख सकता, इसीलिए अभी डिवाइस लो, इस बटन को प्रेस करो और जुप से उस बेबी एलिफेंट के पास पहुंच जाओ। किडनैपर्स को राजा मांगते हुए तो सुना है, बट किडनैप हुए का लोकेशन देते हुए कभी नहीं। कुछ तो गड़बड़ है। हाँ विवान, और हमें उसकी इस चाल में फंसना नहीं चाहिए। भाई परी, मुश्किलों से डरने की कोई चॉइस नहीं होती बलवीर के पास। हीरे की चाल में मैं अभी फंसूं क्या बात में? मुझे फंसना तो है, लेकिन माँ को बचाने के लिए मैं किसी भी खतरे को लेने के लिए तैयार हूँ। अगर आप चाहें सो मत आइए मेरे साथ। जिस कार्य के लिए बलवीर कभी पीछे नहीं हटे, उसके लिए वायु परी कैसे हट सकती है? के निशान तो यहाँ पर आकर समाप्त हो गए, इसका मतलब वो यही कहीं आसपास होंगे। वो देखो बालवीर। इस बार सिर्फ सेना ही नहीं बल्कि घेराबंदी की गई ताकि हम करुणा जी तक ना पहुंच पाए। वही तो, मदर एलिफेंट को हार पहनाना तो दूर की बात है, एक बाकी के हाथियों की दीवार को कैसे पार करेंगे हम? हाँ, और साथ ही साथ हम इन हाथियों पर वार नहीं करेंगे। एक हाथी को संभालना इतना मुश्किल हो गया था भारत नगर में, अब इन बाकी के हाथियों को कैसे संभालेंगे हम, वो भी बिना मैजिक पावर्स के? एक तरीका है। वो दिखी वायुबरी, वो रहा बेबी एलिफेंट। हमें तो लगा था
रे ने बहुत ही खतरनाक जाल बिछाया होगा, पर यहाँ तो वैसा कुछ भी नहीं है विफान। चलो। नहीं भाई बड़ी, ये भी तो रे की कोई चाल हो सकती है कि हमें लगे कि यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं, पर रे स्मार्टनेस में 10 और मैं 100। ये तो सांप सीढ़ी का गेम बना हुआ है और वो भी लाइव। इसका मतलब हाथी के बच्चे को बचाने के लिए हमें ये गेम खेलना पड़ेगा शायद, पर उससे पहले मैं एक बार सीधा बेबी एलिफेंट तक पहुंचने की कोशिश करता हूं। क्या यार विवान, अभी कहा कि स्मार्टनेस में 100 हो और अभी 0 बन गए। मैं तो फिर से 0 से हीरो बन जाऊंगा, लेकिन तुम्हें तो मैं 0 भी नहीं रहने दूंगा। उसके लिए ऑल द बेस्ट, पर अगर अभी तुम्हें उस बेबी एलिफेंट तक पहुंचना है तो तुम्हें ये गेम खेलना ही होगा और नंबर 100 तक पहुंचना होगा। और ध्यान रखना कि ये गेम दो लोगों को मिलकर ही खेलना होगा, एक डाइस फेंकेगा और दूसरा चाल चलेगा। क्यों, तुम नहीं खेलोगे क्या मेरे साथ? डरते हो क्या मुझसे? रे डरता नहीं, डराता है। जैसे हर बार डाइस रोल होने पर ये गेम तुम्हें डराएगा, तो खेलो ये गेम और बचा लो बेबी एलिफेंट को। एंजॉय द गेम। क्या क्या कब खत्म होगा तुम्हारा बचपन? आ रहे नहीं नहीं मतलब चक्रव्यू बोल के ये बच्चों का मामूली सा सांप सीढ़ी वाला खेल बनाया तुमने। हाँ रे, कहीं इससे विवान आसानी से ना जीत जाए। आसानी से तो सिर्फ रे अपने दुश्मनों को दर्द देता है, दर्द। और ये गेम कितना आसान है ये अभी पता चल जाएगा। ये जानते हुए भी कि ये रे का गेम है, हमें इस गेम को खेलना ही होगा, पर एंड में विनर तो हम ही होंगे। वही परी, आप डाइस को रोल कीजिए और मैं इस गेम पे चलता हूँ। वो माँ हाथी और सामने बाकी जितने भी हाथी हैं और वो साइबेरियन हाथी है, उनमें और बाकी हाथियों में एक फर्क है। हम यहाँ पे फर्क ढूंढने आए हैं? नहीं अनन्या, लेकिन ये फर्क जानना बहुत जरूरी है। वो साइबेरियन हाथी अपने बच्चे से बिछड़ने के दुख में है, लेकिन बाकी सारे हाथी यहाँ दोस्ती का फर्ज निभाने आए हैं, मदद करने आए हैं। तो खेलने का सामान मंगाई। क्या हम यहाँ खेलने आए हैं? हम नहीं, बाकी सारी हाथी खेलेंगे। हाथियों को पानी में खेलना और फुटबॉल के साथ खेलना बहुत पसंद है, हम इसी का फायदा उठाएंगे। और जैसे माँ हाथी ने इन हाथियों की मदद से हमारा ध्यान भटकाया था, हम उनका ध्यान भटकाएंगे। समझ गई, पहले हम इनका खेलने की तरफ ध्यान लाएंगे, फिर जब ये खेलने के लिए दूर चले जाएंगे तब हम करना आंटी तक पहुंच जाएंगे। आशा है कि विवान भी उस हत्ती के बच्चे तक पहुंच गया होगा। यार।
ग्रेट वेलबरी पहली ही बार में लाडर, अब बस 5 लाइए ताकि मैं डायरेक्टली नए खिलाड़ी तक पहुंच जाऊं। कोई बात नहीं, आप फिर से डाइस फेंके। जब 5 चाहिए था तब तो आया नहीं, और अब अरे ये क्या किया भाई परी, 5 पे तुम सांप का मुंह है। विवान, विवान तुम ठीक तो हो ना? कैसे ठीक होऊंगा भाई बरी, पाँव में काटा नहीं लगा बल्कि सांप ने मुझे काटा। अब तो पूरी बॉडी में उसका दर्द शुरू हो गया है। इसका मतलब विवान हमें और समझदारी से ये खेल खेलना पड़ेगा। 3 पे सीढ़ी और 4 पे सांप, मतलब मुझे अपनी वायु शक्ति से 3 निकालना होगा। हर स्टेप पे मुझे स्नेक से स्नेक बाइट कर रहे हैं, और वहाँ देखो भैया पता नहीं कौन सी बड़ी मुसीबत में होंगे, और जब उन्हें पता चलेगा कि मैं यहाँ गेम खेल रहा हूँ तो मुझे उनसे डांट पड़ेगी अलग। मैं आप सबके लिए फुटबॉल लेकर आया हूँ, तो क्या आप फुटबॉल खेलना चाहेंगे मेरे साथ? आप खेलेंगे मेरे साथ या आप खेलेंगी? आप खेलेंगी? ये लो। उस साथी का मन हो रहा है खेलने का, शुरू करते हैं। खेलेंगे आप? खेलने के लिए सब उत्साहित तो है, बस जरूरत है थोड़ी और कोशिश की, और साथ ही साथ और गेंदों की भी। तो बताइए, शुरू करें फुटबॉल मैच? भाई परी, 1 आया तो सांप का मुंह, और अगर 5 तो लाडर। सो आप अपनी सारी शक्तियां लगाकर 5 हिलाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर फिर से एक बार मुझे सांप ने काटा ना तो मैं नागिन डांस करने लग जाऊंगा। मैं पूरी कोशिश करूंगी विवान। यस, 5।
बालबरी, क्या यहाँ पर मैं नागिन डांस करते हुए अच्छा लगूंगा क्या? प्लीज थोड़ा ध्यान से डाइस को रोल कीजिए। मैं जितना अपनी वायु शक्ति से अपना मन चाहा नंबर लाने की कोशिश कर रही हूँ, ये उसका उल्टा ही हो रहा है। मैं क्या करूँ विवान? अरे अरे वायु परी, उल्टी खोपड़ी ने गेम बना है तो असर तो उल्टा ही होगा ना। तुम समझ गए, लेकिन ये बेचारे बेवकूफ नहीं समझे कि इस गेम को रे ने बनाया ही ऐसा है। ये डाइस पे जो भी नंबर लाना चाहेंगे, डाइस उसका उल्टा नंबर लाएगी। तो बताइए, शुरू करें फुटबॉल मैच? अब सब जाएंगे यहां से 10 किलोमीटर दूर इन गेंदों का पीछा करते हुए। महात्य बहुत गुस्से में, मैं इन्हें वीर वृक्षमाला पहनने की कोशिश करता हूँ। तब तक तुम जाकर करुणा जी को सुरक्षित करो, जाओ। अब बस विवान उस हथनी के बच्चे को लेकर जल्द से जल्द यहाँ आ जाए। भाई भाई, अब दो निकालने की कोशिश कीजिए। दो? क्यों? वहाँ तो सांप है विवान। जानता हूँ आई परी, पर हरे विवान के साथ गेम खेल रहा है, सो उसे भी तो बता दो कि विवान को उसका गेम उल्टा करना आता है। आप बस अपनी सारी शक्तियां लगाकर दो निकालने की कोशिश कीजिए। यस, पलट दिया मैंने रे का गेम। भाई परी, अब एक नहीं निकालना है, कोई भी नंबर लाइए, बस एक नहीं लाना। अरे अगर तुम उल्टी खोपड़ी हो तो ये विवान तो टेढ़ी खोपड़ी निकला रे, अब तुम क्या करोगे? जश्न मनाऊंगा। मालूम था बच्चों वाले खेल में हारेगा तो बड़ा सदमा लगेगा। सदमा मुझे नहीं, सदमा तो अब इस विवान को लगेगा, क्योंकि अब चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन नंबर एक नहीं आएगा। विवान, अंक एक तो है ही नहीं यहाँ।
सारे नंबर गायब हो गए, सिर्फ एक नंबर बचा है, नंबर 6। नंबर 1 पे विक्ट्री है और पीछे 5 पे सांप का मुंह और डाइस में टोटल नंबर है 6, यानी मैं 100 पे तो जाऊंगा, लेकिन मुझे 5 कदम पीछे आना होगा जहां पर सांप का मुंह है। ओह नो, और ऐसा लग रहा है जैसे ये सब मुझे काटने नहीं, मुझे खाने वाला है। अब हम क्या करेंगे विवान? विवान है सो नो टेंशन दोस्त, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें तुम्हारी माँ से वापस जरूर मिलवाऊंगा। पर कैसे विवान, डाइस में सब नंबर 1 है ही नहीं। भाई बरी, कोई ना कोई तरीका तो होगा 100 तक पहुंचने का। हत्ती जी देखिए, हत्ती जी आपने सुना होगा गुस्सा सेहत के लिए हानिकारक होता है, और यहाँ आपके लिए नहीं मेरे लिए भी उतना ही हानिकारक है, तो गुस्सा छोड़ दीजिए और इस माला को पहन लीजिए। हाय बरी, हाँ पर डाइस को फेंके। विवान जब 6 बचा तो 6 ही आएगा ना। आप घुमाइए। बिना गेम प्ले किए मैं फ्लाई नहीं कर सकता था, पर अब तो मैं 100 नंबर पे हूँ, हो सकता है मैं अब फ्लाई कर सकूं। सत्यानाश, ये विवान तो 0 से हीरो बनकर निकल गया। सोचा था कि विवान को गेम में उलझा के रखूंगा,
लेकिन उसने तो इस गेम में से बाहर निकलने का रास्ता भी ढूंढ लिया। लेकिन अगर माँ और बेबी हाथी का मिलन हो गया तो तुम्हारी बालवीर को मारने की पूरी योजना बेकार हो जाएगी रे। हमें कुछ करना पड़ेगा। तो फिर भागने के लिए प्लेन का टिकट काट लो या फिर पैदल चले। नहीं तो नहीं, नहीं मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। अब कैसे पहनाऊं मैं इन्हें वीर वृक्ष की ये माला? मेरे हाथ तो जकड़े हुए, अब इन्हें मैं ये माला कैसे पहनाऊं? अब माँ बेटे दूर नहीं रहेंगे। हाँ विमान, अब हमें भी अपनी माँ से दूर नहीं रहना पड़ेगा। चलो अब हमें भारत नगर वासियों की याददाश्त मिटानी होगी कि हम बालवीर हैं और अन्य एक परी। कहा था मैंने कि प्लेन का टिकट बुक करा दो क्या? अभी गेम खत्म नहीं हुआ है बालवीर, मैं फिर से लौटूंगा एक नए मौर्य के साथ। Bye bye. रे की किस्मत इतनी खराब है कि सिक्के के दोनों तरफ भी उसका ही मांगा हुआ चिन्ह हो ना तो सिक्का गिरता नहीं खड़ा रहता है। अरे अब तो हार हार कर इतना शर्मिंदा हो गया हूँ मैं कि अपनी शक्ल भी नहीं देख सकता शीशे में। श
शिंकाई में शीशा? ये शीशा किसने लगाया यहाँ पर? कौन है वो बेवकूफ? जो भी हो चला देखो तो जरा मैं कैसा दिखता हूँ। ये क्या हो रहा है? ये शीशा इतना बड़ा कैसे हो गया? गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। शीशा जाने दे मुझे। मैं यहाँ इस शीशे के अंदर कैसे आ गया? अरे मुझे कोई यहाँ से निकालो। कोई निकालो मुझे यहाँ से बस। तुम कौन हो? से कहीं देखा हुआ लग रहा है मुझे। कहाँ देखा है? कहाँ? अरे तुम जो भी हो देखो देखो मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। वेलकम बैमार, वेलकम, स्वागत है तुम्हारा शिंकाई के इस दुनिया में। एंड थैंक्स जो तुमने मुझे ये मैजिकल शीशा दिया जो अपने अंदर दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत को कैद करके रख सकता है। भय का राज है तो भय राजा को तो आना ही था, और इस बार मेरी नजर काल लोक के तख्त पे नहीं वीर लोक के तख्त पे है। काल लोक? अच्छाई के हर साथी की आंखों में मैं बुराई का भय देखना है, ऐसा भय कि हमें देखते ही उनकी परछाई भी उनका साथ छोड़ के भाग जाए। अपने इन्हीं हाथों से मुझे दोनों बालवीरों को खत्म करके एक बार फिर से बुराई का साम्राज्य फैलाना है। परितारा के रख रखाव के लिए अगले 3 प्रहर परितारा की सारी शक्तियां इस दिव्य वीर पत्थर में स्थानांतरित की जा रही हैं, ताकि वीरलोक में परियों और बालवीरों की शक्तियां जैसी हैं वैसी बनी रहें। परंतु तब तक अपने प्राणों से भी ज्यादा इस वीर पत्थर की सुरक्षा करनी है हमें। बालवीर, तुम इस दिव्य वीर पत्थर को लो और वीर शक्ति स्थल में जाकर सुरक्षित रख दो। शौरी, क्या हम इस बार मेरी जगह विवान को भेज सकते हैं? क्योंकि मुझे नील ग्रह पर शांति स्थापित करने जाना है, और अब मैं चाहता हूं कि विवान को हम बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां दें, ताकि आने वाले समय में वो मुश्किलों का सामना अकेले कर सके। ठीक है विवान, तुम जाओ, पर याद रहे विवान, जब तक ये वीर शक्ति स्थल पे सुरक्षित स्थापित ना हो जाए तुम्हें दूसरा कोई कार्य नहीं करना है। चाहे जो हो जाए तुम्हें इसे वीर लोक से बाहर नहीं जाने देना है। कौन है ये? ब्रिगेंजा, ये है भाईमार काल लोक। मैंने तुम्हें तमनासा और काललोक के बारे में सब कुछ बता दिया क्योंकि बताना जरूरी था, लेकिन इसे अभी कुछ भी याद दिलाने की जरूरत नहीं है। जैसा है ठीक है, और इस वक्त वैसे भी हमारा सारा ध्यान दोनों बालवीरों को खत्म करने में होना चाहिए। और वो करूंगा मैं,
जिस तरह ब्रिगेंजा को शीशे में कैद किया था, ठीक उसी तरह दोनों बालवीरों को शीशे में कैद करके मिस्टर बी के स्मारक के पास रखूंगा। अच्छा, तब तक मैं काल लोक होके आता हूँ। काल लोक? और हाँ, जल्द लौटूंगा अपनी शक्तियों को 100 गुना करके। बंद घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय बताती, पर तुम्हारी किस्मत में सही समय आएगा कब? सीधे सीधे बोलो, वरना तुम्हारी सांसों की घड़ी अभी और इसी वक्त बंद कर दूंगा, समझे? मेरा मतलब है ना, यहाँ पर देवू है ना विमान, फिर करोगे कैसे कैद तू अपने जादू शीशे में? नहीं है तो बुलाएंगे, क्योंकि एक माँ के लिए कोई भी बेटा कहीं से भी कैसे भी आएगा। अब इसे परेशान करके मैं बालवीरों को बुलाऊंगा। अरे, ये कौन सा टाइम है सोसाइटी में फ्यूमिगेशन कराने का? वो तो संडे को होता है ना। खिड़कियां खोल देती हूँ। अरे ये खुल क्यों नहीं रही है? लगता है बाहर जाकर ही सांस लेनी पड़ेगी। अरे ये रे के दिल में जो बदले की आग लगी रहती ना, ये धुआं वहीं से आ रहा है। पता नहीं कहां से आ रहा है धुआं, खिड़की दरवाजे भी नहीं खुल रहे हैं। क्या विमान? देवू, जो मेरी आंटी मैं कुछ करती हूँ? नहीं अनन्या, आज तुम भी कुछ नहीं कर पाओगी। धुएं को हटाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। फैन बना देती हूँ। ये क्या है? ये बिल्कुल तुम्हारी तरह है। घर में कुछ और है, होता कुछ और है। बुलाओ बालवीरों को, बुलाओ। विमान, देवू, बुलाओ बालवीरों को मेरे मैजिकल मिरर में टैप होने के लिए, बुलाओ। देवू, याद रहे विमान, जब तक ये वीर शक्ति स्थल पे सुरक्षित स्थापित ना हो जाए तुम्हें दूसरा कोई कार्य नहीं करना है। विमान! 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 विमान!
बुलाओ, बालवीरों को बुलाओ। तेरे घर का दरवाजा तो बंद है। मम्मी, पर मेरे घर का दरवाजा दिन में कभी बंद नहीं होता। आंटी, मम्मी, 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 प्लीज गेट खोल दो। मम्मी, चिंटी, अब इन नकली कॉकरोच और लिजर्ड से इन लोगों को डराएंगे और इनकी डरी हुई फोटो खींच के फ्रेंड बुक पे डाल देंगे। हाँ। तो मजाक उड़ेगा इनका। हाँ। माँ, अनन्या दीदी, विवान, फैल्कन विवान, रेडी हो जाओ मेरे मैजिकल मिरर में कैद होने के लिए। अरे ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं पीछे कहाँ जा रहा हूँ? विवान पीछे, अरे ये तो सर मुंडवाते, सर पे पड़ गए उन्हें। परी, लगता है दिव्य पत्थर पर कोई आंच आ गई है, इसलिए पूरा भीड़ लोग सुरक्षा घेरे में जा रहा है। बालपरी, फिर तो हमें तुरंत धरती लोक पर जाना चाहिए ताकि हम बालवीर की मदद कर सके, वरना सुरक्षा घेरा लग गया तो हम में से ना कोई बाहर जा पाएगा और ना ही कोई अंदर आ पाएगा। चोट तो नहीं लगी? नहीं। ये सब तुम्हारा ही प्लान था ना? हाँ, ऐसी हरकत तो सिर्फ तुम ही कर सकते हो। हाँ। अरे नहीं नहीं, हमारा प्लान तो कुछ और था। देखा, देखा तूने इनको? मैंने कहा था इन्हीं की गलती है। हाँ, ये ऐसे ही कर सकते हैं। चिंटू, तुमने ये सब किया ना? तुमने ये सब किया ना? मैंने तो पता भी नहीं है कि परितारा की जागृत शक्ति इन सबके अंदर चली गई है। भैया, इस बार रे ने माँ को चोट पहुँचाने की कोशिश की, तो इस बार तो हम उसे हमारे हैमर से इतनी चोट पहुँचाएंगे
कि कोई कबाड़ी वाला भी उसे नहीं खरीदेगा। वो तो हम करेंगे ही विवान, लेकिन अगले 12 घंटों तक हमें सतर्क रहना होगा ताकि रहीन बच्चों पर वार ना कर पाए, क्योंकि अभी परी तारा की जागृत शक्ति इन बच्चों के अंदर और तुम में। भैया मैं एक काम करता हूँ, मैं वीर लोग जाकर शौर्य से इस समस्या का हल जान कराता हूँ। तुम्हारे पास पहले से ही शक्तियां हैं और परी तारा की असीम शक्तियां भी तुम्हारे अंदर समा चुकी है, जिसे संभालने की सक्षमता तुम्हारे शरीर में नहीं है। इसलिए अगले 12 घंटों तक तुम अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है भैया, तब तक मैं इन सबका और माँ का ख्याल रखता हूँ, तब तक आप वीर लोग जाकर शौर्य से इस समस्या का हल जान कर आइए। ठीक है विवान, लेकिन रे से संभल कर रहना। वाह, मैं तो यहाँ डायमंड लेने आया था, लेकिन यहाँ तो पूरा का पूरा खजाना मिल गया है मुझे। अब मैं परी तारा की शक्तियां मैजिकल मिरर में सक कर लूंगा, फिर परी तारा की शक्तियां भी मेरी हो जाएंगी और फिर बालवीर बन जाएंगे एकदम मामूली और शक्तिहीन। यस ब्रिगेंसा, और फिर मैं उन्हें मामूली चींटियों की तरह अपने पैरों के नीचे मसल दूंगा। ये सब पक्का उस रे ने किया होगा। हाँ दीदी, पर अभी नेक्स्ट 12 आवर्स तक सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हमें सब बच्चों को सेफ रखना होगा और उसके लिए हमें उन सबको किसी एक जगह पर रखना होगा। तो विवान एक काम करें, उनको किसी रूम में बंद कर दे। माने नहीं दीदी, अगर वो लोग वहां भी लड़ने लगे तो ना जाने क्या इफेक्ट होगा परी तारा की पावर्स का उन पर, कुछ और सोचना होगा। बड़े हिम्मत वाले हो गए हो तुम। नहीं, नहीं, मतलब इतना हारने के बाद भी भारत नगर के बीचों बीच खड़े रहकर इनका सामना करने की हिम्मत आ गई तुम्हारे अंदर। रिलैक्स ब्रिगेंजा, जो तुम ये चबा रहे हो इसकी वजह से हम तो सबको देख सकते हैं, लेकिन ये लोग हमें नहीं देख सकते हैं। कैसा लगा? स्वादिष्ट है, थोड़ा चिपचिपा है। मैं इसके बारे में नहीं, जो सामने है इसके बारे में पूछ रहा हूँ। सामने है? अरे सामने कुछ होगा तो दिखाई देगा ना। एक काम करो, आगे जाओ। आगे? थोड़ा और आगे। और आगे? ठीक है। देख लिया? अरे कभी तो कुछ ऐसा करो ताकि सारी दुनिया तुम्हें देख सके। नहीं नहीं, मेरा मतलब है वैसे ये नई कलाकारी है क्या? इस कलाकारी का नाम है हॉट एयर बलून। हॉट एयर? जो मेरे अलावा सिर्फ उन बच्चों को दिखेगा जिनमें परी तारा की शक्तियां होंगी। मैं अभी भी कह रहा हूँ तू घर जा, वरना मैं तेरी मम्मी से कंप्लेन कर दूंगा। हाँ जा जा, मेरी मम्मी भी जानती है कि मैं कितना भोला बच्चा हूँ। अच्छा हमारे भारत नगर में इतना बड़ा हॉट एयर बलून। वाओ। देख चिंटू, चुच्चे भी बड़ा गुब्बारा। हैं? तूने मुझे गुब्बारा बोला? तूने मुझे गुब्बारा बोला? गुब्बारा बोला मुझे? नहीं 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 रुको। मैंने कहा तुमसे बड़ा गुब्बारा। ओ, तो ठीक है।
भैया पहले हम गुब्बारे में चलते हैं, तो किसी को देखने नहीं देंगे। हाँ चिंटी सही प्लान है तेरा, सबसे पहले अपन चलते हैं, फिर किसी को आने नहीं देंगे। चल चल आजा। अरे वाह वाह दीदी वाह। देखा विवान, अब वो चारों यहाँ पे आराम से सारा दिन अलग अलग बैठ के खा सकते हैं, खेल सकते हैं और फुल ऑन एंजॉय कर सकते हैं। राइट, मैं अभी उन सबको यहाँ लेकर आता हूँ ताकि नेक्स्ट 12 आवर्स तक वो लोग यहाँ आराम से रह सके। वाओ, कितना सुंदर है ये, देख कितना बड़ा बलून है ना चिंटी। एक सेकंड, ये आया कहाँ से? हा? मेरे पापा जरूर अफ्रीका से लाए होंगे। क्या तेरे पापा अफ्रीका गए थे? हाँ। तो तुझे वहाँ पर छोड़कर क्यों नहीं आ गए? हा? अरे नहीं खुशी, क्या है ना प्लेन में 50 kg से ज्यादा वेट नहीं जा सकता। क्या बोला रिंकू? खुशी रुको रुको रुको, नहीं पीछे पीछे मैं। अच्छा वैसे ये यहीं पे खड़ा रहता है या फिर उड़ता भी है? उड़ता है ना, बट तभी जब हमारी मर्जी होती है। अच्छा थोड़ा के दिखाओ। उड़ा के दिखाऊं? दिखाओ ना, दिखाना निकालना, जल्दी इसका रिमोट निकालने दे। अब इन बच्चों की विश में कैसे पूरी ना करूं। कम ऑन किड्स गेट रेडी टू फ्लाई। अचानक यहाँ कैसे आ गया और सारे बच्चे इस बलून के अंदर कैसे पहुंच गए? अब दिखेगा तुम्हें मेरा मैजिकल हॉट एयर बलून। ये बलून बच्चों को कहाँ ले जा रहा है? मुझे इस बलून को रोकना ही होगा। ओह नो, मैं तो अपना मैजिक भी यूज नहीं कर सकता, कैसे बचाऊं? कोई जरूरत नहीं है प्रेगनेंसा। वैसे भी ये पावरलेस विवान आखिर क्या कर लेगा? और अच्छा ही है, ये सारे के सारे एक साथ है। अब इन सब में से एक साथ ही मैं परितारे की शक्तियां उस मैजिकल मिरर में सब कर लूंगा। चिंटी हाथ दे, पकड़ के रख चिंटी। भैया ये आपने कैसे उड़ाया? मैंने नहीं उड़ाया है। तो फिर ये किसने उड़ाया? मुझे क्या पता। मम्मी विमान,
इतना बुरा सपना था? अनन्या, तुमने खुशी विमान को देखा है क्या? वो आंटी खुशी विमान यही थे, लेकिन पलटन वापस आ गई ना तो खेलने चले गए हैं। अच्छा, फिर ठीक है। विवान अभी तक पलटन को वापस क्यों नहीं लेके आया? इतनी मेहनत भी क्यों कर रहे हो विवान? तुम्हें नीचे ही जाना है ना, मैं पहुंचा देता हूं। लेकिन उससे पहले तुम्हें और तुम्हारी अंदर की सारी पावर्स को इस मिरर में तो सक कर लूं। इतने भी क्या जल्दी है रे? विवान, तुम बच्चों की सुरक्षा करो, इसे मैं देखता। ठीक है भैया। एक मिनट, हो सकता है ये हमारे लिए कोई सरप्राइज हो। व्यू तो देखो, वाओ। अरे खुशी दीदी, रिंकू और चिंटू, अरे कोई तो हाथ दो मुझे। ये आवाज कहाँ से आ रही है? हाँ? अरे ओ, कोई तो हाथ पकड़ो। ये तो विवान नीचे लटका हुआ है। क्या? विवान? हाँ, हाथ दो मुझे। विवान आ जा। ध्यान से। नहीं छोड़ेगा रे। मैं लड़ाई नहीं करना चाहता बालवीर, तुम बच्चों को बचाना चाहते हो ना, तो ठीक है, मैं ही ले आता हूं उन्हें। बच्चे नीचे आएंगे मगर जमीन पे नहीं, खाई में जाएंगे। वो देखो बालवीर, एयर बलून नीचे आ रहा है। नाउ हैप्पी? लेकिन हो सकता है तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, मैं तुम पर बार बार विश्वास नहीं कर सकता। तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है बालवीर। विकल्प है ना, तुम्हारा अंत। लेकिन अभी उसमें बहुत टाइम है बालवीर। क्या हो रहा है विवान, हम नीचे कैसे पहुंचेंगे? अरे नीचे छोड़ो, हम घर कब पहुंचेंगे विवान? भैया घर तो नीचे ही है ना। अरे पहुंचेंगे घर, क्यों नहीं पहुंचेंगे? और देखो बलून भी नीचे जा रहा है। हाँ? नीचे जा रहा है।
नीचे जा रहे हैं। अरे हाँ, नीचे जा रहे हैं। हम तो नीचे जा रहे हैं। लगता है ये फ्री की राइड खत्म होने वाली है। हाँ। ये बलून नीचे तो जा रहा है लेकिन जमीन पे नहीं, हा? खाई में। क्या? 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 विवान प्लीज कुछ करना। कुछ कर विवान। हॉट एयर बलून गर्म हवा से ऊपर उठता है। हाँ, क्योंकि गर्म हवा हल्की होती है और ठंडी हवा भारी। उसमें क्या? एग्जैक्टली। और देखो, इस सिलेंडर में से आग कम्प्लीटली बुझ गई है और इसी की वजह से ये बलून नीचे गिर रहा है। तो हमें इस बलून को फिर से ऊपर उड़ाने के लिए हमें इस सिलेंडर में आग लगानी होगी। अरे लेकिन आग तो मैचस्टिक या फिर लाइटर से जला सकते हैं ना, वो कहाँ से लाएंगे? रुको, मैं घर से माचिस लेके आ रहा हूँ। मैंने बैलेंस संभाल लिया है। हाँ, मैं तुम्हें आखिरी चेतावनी दे रहा हूँ रे, बच्चों से दूर रहो वरना मैं तुम्हें तुम्हारी सांसों से दूर कर दूंगा। अच्छाई और बुराई में बिल्कुल दूरी पॉसिबल नहीं है बालवीर। क्योंकि जहां लाइट है वहां डार्कनेस भी है, जहां नाइट है वहां डे भी है, और जहां बालवीर है वहां रे भी है। तुम्हारा सरप्राइज अभी बाकी है बालवीर।